नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा तथा महिलाओं व बच्चों पर हो रहे अत्याचार, मंदिरों पर हो रहे हमलों के विरोध लगातार आक्रोश में बदल रहा है। देश के तमाम जगहों पर इसके विरोध में आक्रोश दिखाते हुए पैदल मार्च निकाले जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में हिंदू रक्षा समिति, इसमें कई हिंदू संगठन जुड़े हुए हैं, द्वारा हिंदू जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता ने भी भाग लिया। ये हिंदू जन आक्रोश रैली परिवर्तन चौक से शुरू होकर केडी सिंह बाबू स्टेडियम, हजरतगंज, भाजपा प्रदेश कार्यालय, रालोद कार्यालय के सामने से होते हुए वापस परिवर्तन चौक पर खत्म हुई। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी रही। इस रैली के दौरान जमकर नारे लगाते हुए भारत सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा मामले पर दखल देने की मांग की गई है। देखिए, आक्रोश नजर आ रहा है नहीं आ रहा है वो एक अलग विषय है, लेकिन आक्रोश पैदा कर रहा है ये सवाल है। हम इस सवाल को लेकर के मैदान में उतरे हैं। आक्रोश नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है ये एक अलग विषय है, आक्रोश पैदा करना है ये विषय अलग है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, मेरा उद्घोष मैं यहाँ बोल दूँ, यदि आज नहीं जागोगी तुम तो कल तुमको रोना होगा, अपने बच्चों का सुंदर भविष्य फिर तुमको ये खोना होगा। उठ जाग, खड़ी रोहरण में तुम, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ, तुम माँ काली की शक्ति हो, मैं तुम्हें बताने आई हूँ, आवाहन कर काली का तुम, आ जाओ साथ निभाने को, कर शंखनाद तैयार हो तुम उस उच्च शिखर पर जाने को, केसरिया चारों ओर बहे, केसरिया चारों ओर बहे, ये संकल्पों का नारा हो और गर्व से कहो हिंदू है हम, गर्व से कहो हिंदू है हम, गर्व से कहो हिंदू है हम, और हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र भारत माता की जय। हम सिर्फ अपनी ऊर्जा भेज सकते हैं, ऊर्जा जगा सकते हैं। जो सुतप्त राष्ट्रवाद लेकर के बैठे हैं हमारे हिंदू, हमारी महिलाएं, वो जागे, क्योंकि वो बहुत सालों से सोई हैं, 75-80 साल से तो वो सुला दी गई हैं, कुछ ऐसा फूंक करके उनको सुला दिया गया, अब कृपा करके वो जागे। इसी को लेकर हम निकले महारानी लक्ष्मीबाई, और कितने कितने रूप महारानी लक्ष्मीबाई के देख रहे, झांसी की रानियाँ निकली हैं यहाँ पे, विद्वान और विदुषियाँ महिलाएं निकली अपने घर को छोड़कर। मैं भी असिस्टेंट प्रोफेसर अमेठी यूनिवर्सिटी में थी, जॉब त्याग करके मैं समाज सेवा और राष्ट्र सेवा और सनातन सेवा में निकली हूँ। मेरा उद्देश्य ये है कि मेरा समाज जागे, मैं सो नहीं सकती जब तक कि मैं प्रयास करती रहूँगी, बाकी ईश्वर इच्छा, सब ईश्वर इच्छा। लगातार अत्याचार हो रहा है, हाँ, लगातार खबरें आ रही हैं, आक्रोश रैली निकाल रही हैं, पर कोई कार्रवाई अभी तक सरकार के द्वारा की नहीं जा रही। देखिए, पहले तो सरकार जगाने के लिए क्या करने वाली, सरकार को जगाने के लिए ये कहने वाले हैं कि हमारे मतदाताओं, हिंदू मतदाताओं जाग जाओ, आपने वोट नहीं दिया, हमारे सही नेतृत्व के हाथ आज पूरी कमान नहीं है, जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, पूजा कंप्लीट, जब तक हम पूरी कमान नहीं है, अगर हमारी पूरी कमान हमारे नेतृत्वकर्ता के साथ में होगी तभी हमारा जो है एक अच्छी तरीके से हम नेतृत्व कर पाएंगे। अब मोदी जी के हाथ बंधे हुए हैं, क्या करेंगे, बंगाल हमारे हाथ में नहीं है, ममता बनर्जी के हाथ में, देख लीजिए क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, करके दिखाए, जिस दिन उत्तर प्रदेश में इस तरीके की स्थितियां हो गई उस दिन देखेंगे योगी आदित्यनाथ क्या करते हैं। इसलिए जाग जाओ हिंदू वोटर्स, जाग जाओ, सत्ता इस सामने है, फिर से कह रहे हैं कि उठ जाग, खड़े हो रण में तुम, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ, इसलिए जाग जाओ, अपनी शक्ति को जागृत करो। रुद्रा सिंह, अपने अवध प्रांत की दुर्गा वाहिनी की प्रांत संयोजिका हूँ, और हम अपने अवध प्रांत की समस्त बहनों के साथ आज अपने लखनऊ महानगर में अपने हिंदू भाई बहन जो बांग्लादेश में हो रहे हिंदू भाई बहनों के प्रति अत्याचार के विरोध में हम आज सभी यहाँ पर एकत्र होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा निवेदन है कि सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, वहाँ पर बांग्लादेश में जो हिंदू भाई बहनों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, जिसमें बहनों के साथ बलात्कार किए गए, उनको मारा गया, जलाया गया, मंदिरों को जलाया गया, उनकी प्रॉपर्टी को जब्त किया गया, इसके विरोध में हमारा प्रदर्शन है, हम इसके पूरे विरोध करते हैं, और पूरे हिंदू समाज से हमारा निवेदन है और पूरा जन आक्रोश है कि इसके विरोध में कार्रवाई की जाए, और बहनों के साथ जो भी हो रहे अत्याचार हैं उसके विरोध में उचित कार्रवाई करके उनको सख्त से सख्त कड़ी सजा दी जाए, फांसी पर चढ़ाया जाए, ये हम सभी बहनों का इस प्रदर्शन में हमारा ये मैसेज है और ये नारा है। फूल भी है हम, चिंगारी है हम, भारत की नारी है, भारत माता की जय। मैं समाज सेविका हूँ, समाज में के कार्य में करती रहती हूँ, और महिलाओं को मैं देखिए सेल्फ डिपेंड की एक वो बात बताती हूँ, तो सेल्फ डिपेंड कहाँ तक कि ये होता है कि एक अपनी रक्षा करने का भी मैं संदेश देती हूँ कि जो हमारे गली गली भेड़िया जो घूम रहे हैं, हम उनसे जो है उनको सबक सिखा सकें,
और हमारा काम है महिलाओं को जागरूक करना। मैं एक जागरूक महिला हूँ, तो मैं यही चाहूँगी कि हर एक महिला जागे और अपने देश की, जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी, जैसे हमारे इतिहास में हमारी जो है देवियाँ थी, तो हमको लोगों को उन्हीं का ही रूप धरना है और रूप धर के मैदान में खड़े होके हाहाकार मचाना है कि हमारे साथ जो भी अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार के खिलाफ हमको आगे बढ़ना है। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।